हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे में ईस्टर्न रेलवे है दोस्तों, इसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आपने आईटीआई कर ली है और अप्रेंटिस नहीं की है तो अप्रेंटिस कर लीजिए, और मौका मिल रहा है तो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्रेंटिस के बिना आईटीआई भी अधूरी है और बहुत ही ज़रूरी कई जगह मांग ली जाती है। प्राइवेट में तो कोई मांगता नहीं है, लेकिन सरकारी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर कई संस्था ऐसी है जो अप्रेंटिस के बिना आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, और ख़ासकर रेलवे में तो अप्रेंटिस मांगते ही हैं, और रेलवे में रेलवे से अप्रेंटिस हो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर रेलवे में वैकेंसी निकली है तो इसका ज़रूर लाभ उठाएँ। तो आइए जानेंगे इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये देखें दोस्तों, इसकी जो पब्लिकेशन डेट है ये 23/9/2022 है। तो इसके बाद और जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन की, तो 30/9/2022 से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है 29/10/2022, यानी कि पूरा महीना है अक्टूबर का। वहाँ पर इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन की प्रक्रिया नहीं है इसमें, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको। तो अब यहाँ पे दोस्तों इसके जानेंगे कि इसमें क्या इन्होंने पोस्ट निकाली है, किस किस ट्रेड की वैकेंसी है और क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। ये जो वेस्टर्न रेलवे है उसी में ही जो अलग अलग इनकी यूनिट है, जैसे हावड़ा डिवीजन है, तो यहाँ पर इन्होंने देखिए निकाली है फीटर की, वेल्डर की, ये इस तरह से सारी पोस्ट इन्होंने निकाली है। सभी ट्रेड की ज़्यादातर वैकेंसी है और टोटल यहाँ पर है इनकी 659 वैकेंसी है, ठीक है। और ये जो है इन्होंने दोस्तों कैटेगरी के हिसाब से बांट रखी है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि इन्होंने जो है कि रेंज में कितनी छूट दी है, वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए अलग अलग डिवीजन की वैकेंसी निकाली है, अलग अलग यहाँ पर इस तरह से सारी ट्रेड की इसमें वैकेंसी है, फीटर, मशीनिस्ट, वेल्डर। तो वेल्डर की देखिए यहाँ पर है, वेल्डर की टोटल वैकेंसी है में है 83 वैकेंसी, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें 612 हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने डिटेल दी है सारी यूनिट की। तो सियालदा डिवीजन की है यहाँ पर, यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग से दी हुई है। और दोस्तों अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया तो ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पर, और इसमें ये भी जानेंगे कि क्या इनकी फीस है और कितनी एज तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंट हमको फॉर्म भरने के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट हैं। देखिए कहीं पर बहुत कम है, यहाँ पर इसमें कम है, ये है मालदा, मालदा डिवीजन में यहाँ पर कम वैकेंसी है दोस्तों इस तरह से। देखिए वेल्डर की 2 हैं, फीटर की 18 हैं, प्लम्बर की 2 हैं, कारपेंटर 2, तो इसमें कम दी है दोस्तों। और ये जमालपुर का, जमालपुर वर्कशॉप का है, यहाँ पर भी फीटर की है, वेल्डर की है, मशीनिस्ट, टर्नर, इस तरह से यहाँ पर भी इन्होंने वैकेंसी दी है। और अब देखते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन क्या है, इसमें एज में कितनी छूट दी है। तो एज में इन्होंने दी है यहाँ पर देखिए एससी एसटी और ओबीसी। और दोस्तों इन्होंने एज कितनी ली है, एज इन्होंने मांगे है 15 साल से 24 साल, यानी आपकी जॉब मिनिमम 15 होनी चाहिए और मैक्सिमम 24 साल। और जैसे कि एज में छूट है, एज में अगर आप एससी एसटी में हैं और तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगी 3 साल की छूट, और विकलांग के लिए इसमें 10 साल की छूट है दोस्तों, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी इसमें छूट दे रखी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है आपके 10वीं पास होना चाहिए 50% अंक के साथ, और इसके साथ में आपको चाहिए आईटीआई, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एनसीवीटी का हो या एससीवीटी का हो, दोनों के लिए यहाँ पर चल जाएगा। और मेडिकल फिटनेस यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मेडिकली आप फिट होने चाहिए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन है आपका यहाँ पर मेरिट के अनुसार ये चुनाव करेंगे लड़कों का, क्योंकि यहाँ पर जो है टेस्ट नहीं होगा दोस्तों, तो मेरिट के अनुसार ही यहाँ पर ये चुनाव करेंगे। और इसमें मेरिट में ये देखेंगे दोस्तों 10वीं और आईटीआई में कितने परसेंटेज है, उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन दी है, इस तरह से कैलकुलेशन ये करेंगे और तब आपकी परसेंटेज निकाल
डालेंगे और उसके अनुसार ही मेरिट बनाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा अपनी जो अंक है, आपके परसेंटेज है, इस आधार पर मिला के आप देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन जो फीस है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये है। तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए आपको rrcer.com पर जाना है, कोलकाता पे, कोलकाता वाले ऑप्शन में इसमें जाएंगे और वहाँ से हम ऑनलाइन इसको अप्लाई कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर दिए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए और मार्कशीट 8वीं या 10वीं की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसमें है, और ITI का सर्टिफिकेट, NCVT, SCVT का, कम्युनिटी सेंटर SC ST यानी कि आप जिस कास्ट से भी बिलोंग करते हैं उस कास्ट का सर्टिफिकेट, PWD से हैं तो PW का सर्टिफिकेट डालना है, PWD का। ठीक है, और ये इसका साइज भी दिया है किस फॉर्मेट में और किस साइज में रखकर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य पॉइंट तो इसके यही हैं, बाकी इनवैलिड एप्लीकेशन भी दे रखी है कि इनवैलिड एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं वो। अगर आपके देखिए सिग्नेचर का दिया गया है, सिग्नेचर इन ब्लॉक कैपिटल लेटर यानी कि सिग्नेचर अगर कैपिटल में है, स्मॉल नहीं है, तो वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा फॉर्म। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर एंड नोट, तो इस तरह से अगर जो आपने यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, अगर आप इसी तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे जो इन्होंने साइज दिया है और जितना साइज है, जो फॉर्मेट है, उसी के अनुसार आप अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर दिक्कत होगी तो इन्होंने दिया हुआ है किस किस पॉइंट को ये कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करो, अगर खुद से भरोगे तो आपको ध्यान रखना है, अगर कंप्यूटर साइबर कैफे वाले से भरवाओगे तो वो तो उनको पता रहता है, वो भर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए ग्रेड पे इन्होंने दिया है 1800 रुपये, तो 1800 रुपये इसका स्टाइपेंड रहेगा और बाकी इसमें मिलाकर लगभग ऐसा हो जाता है 7000 से 15000 के बीच इसकी स्टाइपेंड रहता है, या ये स्टाइपेंड आपको हर महीने मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर अप्रेंटिस करने का ये फायदा है कि स्टाइपेंड मिलता है, कि ऐसा नहीं है कि हमें पैसे की दिक्कत होगी, तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी हो जाती है और पैसे भी मिल जाते हैं, तो इसलिए ये अप्रेंटिस दोस्तों कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों यही इसकी मुख्य डिटेल है और किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप, इसमें फॉर्म में पूरी डिटेल दी गई है, आप इसमें देखकर आप उसको भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।